नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर में लिपिकों की हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल के अंतर्गत मंगलवार को सभी विभागों के बाबू ने एक रैली निकालकर सरकार के नाम पर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। शासकीय तृतीय वर्ग लिपिक कर्मचारी संगठन के बैनर तले ये लोग लगातार वेतन विसंगति की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार उनकी वेतन विसंगति को दूर नहीं कर रही है और ये मामला लंबे समय से लंबित है। चुनाव नजदीक आने के कारण कई विभागों के बाबुओं ने हड़ताल पर जाकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। मंगलवार को इन बाबुओं ने शहर के प्रमुख मार्गों से एक पैदल यात्रा निकाली और इस यात्रा में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंप कर अपनी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग उठाई। आज जो है लिपिक कर्मचारी साथियों द्वारा जो है एक वाहन रैली निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन को, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें हमारी एक ही मांग है वेतन विसंगति की, जो 1481 से लगातार चली आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक समिति का गठन माननीय श्री रमेश चंद शर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया था। माननीय समिति द्वारा भी हमारी जो है वेतन विसंगति को स्वीकार करते हुए 23 अनुशंसाएँ की हैं। उन अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए हम 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मुख्य सचिव महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एक वाहन रैली निकाल करके ज्ञापन दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।